नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका सीबर्ड इंटरनेशनल से। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओईटी की। ओईटी को ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट कहा जाता है। ये एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट है। ये टेस्ट 12 मेडिकल प्रोफेशन के लिए होता है। डेंटिस्ट्री, डायटिक्स, ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी, नर्सिंग, स्पीच पैथोलॉजी और कई अन्य मेडिकल प्रोफेशन। ओईटी का एग्जाम वो लोग दे सकते हैं जो लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दुबई में रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं। ओईटी में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। रीडिंग के लिए बच्चों को 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, लिसनिंग के लिए 50, स्पीकिंग के लिए 20 और राइटिंग के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। रीडिंग एंड लिसनिंग सभी 12 मेडिकल प्रोफेशन के लिए सेम होता है, लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग हर एक 12 मेडिकल प्रोफेशन के लिए अलग अलग होता है। अगर आपको ओईटी का एग्जाम क्लियर करना है तो हर मॉड्यूल में बी ग्रेड आना जरूरी है। ओईटी का 60% पेपर जो आपने पढ़ा होता है उसमें से आता है और 40% पेपर कि आप कितनी इंग्लिश बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ओईटी कैसे शुरू हुआ। ओईटी सन 1980 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में स्टार्ट हुआ था। ओईटी के एग्जाम को एक महान शख्सियत ने बनाया था जिनका नाम टिम मैकनमारा है। ओईटी का एग्जाम साल में 12 बार होता है, यानी हर महीने में एक बार। अब बात करते हैं ओईटी के फायदे क्या है। जो लोग बाहर जाकर अपने मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े रहना चाहते हैं वो लोग ओईटी जरूर करें, क्योंकि इससे आपको बाहर जाकर रजिस्टर होने का मौका मिलता है और साथ ही वर्क परमिट लाइसेंस मिलता है। उसके बाद आप अपनी पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी ओईटी के बारे में। अगर आप ओईटी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप सीबर्ड से ले सकते हैं। हमारे पास बेहतरीन तजुर्बेकार एक्सपर्ट ट्रेनर्स भी हैं और साथ ही हम आपको फ्लेक्सिबल बैचेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ अगर आप ओईटी की ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे आप वो भी ले सकते हैं। और हमारे द्वारा बच्चों को ओईटी का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो सोचिए मत, आज ही विजिट करिए सीबर्ड इंटरनेशनल कॉलेज मोहाली।